Hello everyone, once again you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. So friends, आज NEET 2019 का जो exam हुआ है उसका जो P1 जो set है उसके अंदर biology के जो questions है उसका answer की मैं आपके साथ share कर रहा हूँ. तो इस video में आप देखने जा रहे हैं पहले 10 questions के answer. So friends, जो question number 91 है जो bio start होते हैं यहाँ से, तो उसका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड. तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स. ठीक है फ्रेंड्स, तो होप्स हो कि आपने ये करेक्टली अटेम्प्ट किया होगा. बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं इस बार. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 है दैट इज कोलोस्ट्रम कंटेन. तो कोलोस्ट्रम में ऐसा क्या है कि बच्चों की इम्यूनिटी को ये बिल्ड करता है. तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर 4 इन द सेट P1. द आंसर इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए. ठीक है, एंटीबॉडीज होती हैं विच आर एनरिच्ड इन द कोलोस्ट्रम, दैट इज द फर्स्ट मिल्क. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 93, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर. इसका ऑप्शन 2 आंसर आएगा, दैट इज ड्यू टू फ्लैसिडिटी ऑफ बुली फॉर्म सेल्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम. सो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया ये. तो जो शॉर्ट आर्म होती है उसको पी आर्म बोलते हैं, जो लॉन्गर आर्म होती है उसको क्यू आर्म बोलते हैं. तो ऑप्शन नंबर 2 है सेट P1 में. ठीक है, दैट इज द राइट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 95, दैट इज रेस्पिरेटरी क्यूशेंट आरक्यू ऑफ ट्राइपालमिटिन, जो कि एक अमाइनो एसिड है. तो इसका जो रेस्पिरेटरी क्यूशेंट है वो क्या है फ्रेंड्स, दैट इज 0.7. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 इन द सेट P1. ठीक है, तो मैंने नीचे इसका इक्वेशन दिया है, आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर जो है कि 2 मॉलिक्यूल हमने लिए C11H98O6+145 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं 102 मॉलिक्यूल ऑफ CO2+98 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. सो और आरक्यू जो है दैट इज CO2 प्रोड्यूस्ड बाय O2 यूटिलाइज्ड. तो आंसर आएगा फ्रेंड्स 102/145, दैट इज 0.7. ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96. तो फ्रेंड, 96 में पूछा गया है कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इन द सेट P1. उसका जो मेन आंसर दैट इज अ स्टैटिन. ठीक है, स्टैटिन जिसमें के जो स्टैटिन जो होते हैं वो नेचुरली भी मिलते हैं. ठीक है, आजकल सिंथेटिक स्टैटिन भी चल रहे हैं. ओके, तो सिम्बा स्टैटिन इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ. सिम्बा स्टैटिन, ठीक है, एक टॉर्बा स्टैटिन होता है इसका एग्जाम्पल. तो स्टैटिन जो है ये ब्लड कोलेस्ट्रोल लोअरिंग एजेंट्स हैं. ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 97, मैच द फॉलोइंग. बहुत इजी क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन. ठीक है, क्रिप्ट ऑफ लिवर खून जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. जो ग्लिसंस कैप्सूल और फ्रेंड्स वो लिवर में होता है, मतलब लिवर का कैप्सूल होता है ग्लिसन कैप्सूल. और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये पैंक्रिया के अंदर होती है. और ब्रनर्स ग्लैंड जो है वो ड्यूडिनम में होती है, विच इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, क्वेश्चन नंबर 98, इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल एंड प्लांट एक्सटिंक्शन. तो फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है अगेन. एनिमल और प्लांट्स की स्पीसीज का जो एक्सटिंक्शन हो रहा है उसका मेजर जो कॉज है दैट इज ऑप्शन 1 इन द सेट P1, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 99, पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन. तो इसका जो आंसर है दैट इज द हाइपोथैलेमस. ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द थर्मो रेगुलेशन. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट इन द सेट P1. एंड क्वेश्चन नंबर 100, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रू सिलोम, ये तीनों करेक्टर किस में पाए जाते हैं, उस सेट का आपने आंसर बताना था. तो उसका आंसर है इन द सेट P1 ऑप्शन नंबर 4, एनिलिडा मोलस्का एंड कॉडेटा. ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ही देर में मैं आपको बाकी के क्वेश्चन के भी आंसर अपलोड कर देता हूं. ठीक है, मेरे साथ बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स अ लॉट.